तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉग में कैसे स्कूटी या फिर बाइक चलाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पे हूँ। आज देख लो दिल्ली में कितना ज़्यादा फॉग आ रखा है। कल तो मौसम एकदम नॉर्मल था, गर्मियों जैसा कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी भी फॉग नहीं थी, लेकिन आज देख लो कितनी ज़्यादा धुंध आ गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ऊपर से ये हेलमेट के वाइजर पे भी जम जा रही है थोड़ी देर स्कूटी चलाने के बाद, पता नहीं कैमरे में भी जम रही होगी शायद। और अभी तो फिलहाल मैं उधर जा रहा हूँ जनकपुरी की साइड, तिलक नगर जनकपुरी, मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होगा, 25-30। बाकी बाहर देखते हैं मेन रोड पे कितनी धुंध है, अंदर तो बहुत ज़्यादा लग रखी है। और कैमरे में ना थोड़ी कम दिखती है, असली में थोड़ी ज़्यादा होती है, कैमरा थोड़ी कम धुंध दिखा पाता है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी तो दिखाई दे रहा होगा ये भी, क्योंकि धुंध ही इतनी ज़्यादा है। ये देखो इधर का कुछ दिख ही नहीं रहा, हल्का हल्का सा दिख रहा है। अभी मेन रोड पे जाके मैं अपनी हैजार्ड लाइट्स ऑन कर दूंगा। ये देखो मेन रोड पे भी सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही है, वो भी हैजार्ड लाइट्स ऑन करके एकदम से। यार पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी धुंध, धीरे धीरे आनी चाहिए ना, कल एकदम साफ था और आज इतनी धुंध आ गई। तो आगे एंटॉर्क में एक अंकल चल रहे हैं, उन्होंने हाथ में पिन्नी पहन रखी है ग्लव्स की जगह, क्योंकि पिन्नी पहनने से भी हवा नहीं लगती ना फिर हाथों में, जिनके पास ग्लव्स नहीं होते वो ऐसे काम चला लेते हैं। और मैं आज ये वाले ग्लव्स पहन के आ रखा हूँ अपने, लेदर वाले, मतलब असली लेदर तो नहीं है, रैक्सिन वैक्सीन पता नहीं क्या है, 200-250 रुपए के ख़रीदे थे मैंने, पर ये है कि ठंड नहीं लगती इनमें, दिल्ली की ठंड तो झेल लेते हैं आराम से। ठंड में यार यही ग्लव्स काम आ पाते हैं, या तो फिर बहुत महंगे ग्लव्स लेने पड़ेंगे जो ठंड से बचाएंगे, बाकी जो नॉर्मल ग्लव्स हैं उनमें तो ठंड लगती है, पूरी हवा जाती है अंदर, इसमें प्रोटेक्शन कम है, पर यह है कि ठंड से बचा देगा और थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन भी दे ही देगा अगर हल्का फुल्का गिरा 30-40 की स्पीड में। फटाफट यार मेन रोड पे निकल लेता हूँ मैं, क्योंकि इधर बहुत सारे रास्ते इधर उधर जा रहे हैं ना, तो उनमें रिस्क रहता है। अब मेन रोड पे तो बस सीधा सीधा चलते जाना है, ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि कोई सामने से आ गया, बस ये कि रॉन्ग साइड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी स्लो स्लो ही चलूँगा, 40-50 की स्पीड में, मतलब इतनी स्पीड में चलूँगा कोई एकदम से सामने आ जाए तो ब्रेक लग सके या स्कूटी कंट्रोल हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉग में कैसे स्कूटी या फिर बाइक चलाते हैं। इस तरीके को यूज़ करके आप फॉग में भी सेफली अपनी स्कूटी को या फिर बाइक को चला सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी स्कूटी की जो लाइट्स है वो ऑन कर देनी है, अगर आपके पास पुरानी स्कूटी है जिसकी लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि जो नई स्कूटियाँ आ रही हैं या फिर बाइक्स, उनकी लाइट तो हमेशा ऑन ही रहती है, या फिर उनमें DRL होती है जो जलती रहती है। और अगर आपके में DRL है ना, तो DRL के साथ साथ मेन जो हेडलाइट है वो भी ऑन कर देना, ताकि अगर सामने से कोई रॉन्ग साइड आए उसे आपकी स्कूटी या फिर बाइक दिख जाए आराम से। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपकी स्कूटी में हैजार्ड लाइट्स हैं, जैसे मेरी स्कूटी में लग रखी है जिसमें चारों इंडिकेटर्स जलते हैं इसके एक साथ, तो वो आपको ऑन कर देने हैं। और फिर आपको एक लेन पकड़ लेनी है, वैसे अगर आपके पास स्कूटी है तो सबसे बढ़िया है लेफ़्ट साइड की लेन पकड़ लो और अपनी लेन में बस सीधा सीधा चलो, ऐसे सांप की तरह मत चलो इधर उधर इधर उधर, कभी इस लेन में कभी उस लेन में, एक ही लेन में बस चलते रहो सीधा सीधा फोकस करके, जैसे मैं चल रहा हूँ। पीछे से कोई भगाता हुआ भी आएगा तो आपके साइड से निकल जाएगा, लेकिन आप भी इधर उधर घूमोगे, पीछे से कोई और भी इधर उधर आ रहा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है धुंध में, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। और अगली चीज़ आपको अपनी स्कूटी की स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है, इतनी नहीं रखनी है कि कोई एकदम से सामने आए तो आप कंट्रोल ना कर पाओ या फिर ब्रेक्स ना लगा पाओ, तो आपको एक ऐसी स्पीड में चलना है कि अगर कोई एकदम से सामने आ जाए तो आप ब्रेक लगा सको या फिर स्कूटी को कंट्रोल कर सको, इधर उधर मोड़ सको। मेरे ख्याल से 40 तक की स्पीड ठीक रहेगी, 40-50, बाकी अपनी स्कूटी के हिसाब से देख लेना, मेरी स्कूटी की तो इतनी है 40-50, 60 में थोड़ी ज़्यादा वो हो जाती है। और बाकी दिल्ली में तो लोग ठीक ठाक ड्राइविंग कर लेते हैं, देखो सब लोग अपनी अपनी लेन में चले जा रहे हैं और सबकी स्पीड नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है किसी की, सारे ऐसी 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं। तो अगर आप भी किसी एक ऐसे स्टेट में रहते हो तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग ढंग से ड्राइविंग कर लेते हैं, लेकिन जब मैं इधर उधर जाता हूँ ना घूमने, तो बीच में जो शहर पड़ते हैं वहाँ के लोग नहीं करते हैं ऐसे ड्राइविंग, पर दिल्ली में भी सारे नहीं करते लेकिन 80% लोग करते हैं। दिल्ली के लोग मेरे को सही लगते हैं गाड़ी चलाने में, और रूल्स भी दिल्ली के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलान थोड़े ज़्यादा महंगे महंगे हैं, बाकी और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन रूल्स भी दिल्ली के लोग ही ज़्यादा फॉलो करते हैं,
अभी तक जितना मैंने देखा है, देख रहे हो सब एकदम अपना नॉर्मल चल रहे हैं। यही तो बढ़िया चीज लगती है मेरे को दिल्ली की। और इसके अलावा एक और वो बता देता हूँ आपको टिप, जैसे आपके आगे कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, उसके पीछे पीछे लगा लो, इससे भी ना थोड़ी हेल्प हो जाती है। वो आपके लिए एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा, सारी मेहनत उसको करनी पड़ेगी, आप बस उसके पीछे पीछे चलते रहो। और एकदम ही पीछे मत चलना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना बीच में, जैसे मेरे आगे वो स्कूटी चल रही है एक्टिवा, इतना डिस्टेंस ठीक है। और वो स्पीड के भी ऊपर है, अगर आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो जहाँ पे लोग 150-150 की स्पीड से चल रहे हैं, तब थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पर वही है, ये वीडियो तो स्कूटी वालों के लिए है, और स्कूटी इतने स्पीड में नहीं चल पाती, कोई कोई चल पाती होगी एक दो। अब यहाँ से मुड़ चुका हूँ मैं लेफ्ट, और यहाँ पे शायद मेरे को थोड़ी और ज़्यादा धुंध मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर्स पे चढ़ना है मेरे को, फ्लाईओवर्स पे थोड़ी ज़्यादा धुंध रहती है नॉर्मल रोड से। और इसी के साथ चढ़ चुका हूँ मैं अपने पहले फ्लाईओवर पे, अब फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर पार करने हैं मेरे को 3-4। सबसे बढ़िया रहता है कि इस साइड चल लो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड चल लो, क्योंकि इसमें ये होता है ना, एक साइड से ही गाड़ियाँ आएंगी आपके पीछे से। ये देख रहे हो मैं बीच में चल रहा हूँ, तो इधर से भी गाड़ियाँ चल रही है आगे, और इधर से भी। बीच में चलो तो अपना एकदम सीधा सीधा ही चलते रहो, और इधर उधर मोड़ने से पहले शीशे चेक कर लो पीछे वाले, बहुत लोग तो बिना शीशों के ही चलाते रहते हैं। अभी भी धुंध में बहुत सारे ऐसे बाइक वाले हैं जो बिना शीशों के ही इधर उधर मोड़े जा रहे हैं, वो सोचते हैं जो पीछे आ रहा है वो खुद ही देख लेगा, हमें क्या। पर ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा, इसलिए शीशे होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, जैसे इस रेडर में लग रखे हैं, क्योंकि इससे पता रहता है चारों तरफ का, कौन पीछे से आ रहा है, कौन कैसे चला रहा है पीछे गाड़ी। बिना शीशों के तो एक तरह से आप अंदाजे में चला रहे हो। और यार मेरे को स्कूटी में तेल भी डलाना है, लाइट तो जल रखी है इसकी। अब तो जाम आ गया, जाम में तो आसान है, जाम में तो नॉर्मली चलाना है आपको। कैमरा भी यार साफ कर लेता हूँ एक बार, हो सकता है इसमें भी धुंध चिपक गई हो। तो बहुत देर स्कूटी चलाने के बाद पहुंच गया हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे। यहाँ पे देख लो रोड के साइड साइड में घर बन रखे हैं बहुत सारे, जनकपुरी है शायद, जनकपुरी भी दो तीन है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वो नहीं पता कौन सा है, पर है जनकपुरी। तो अपनी लोकेशन पे तो पहुंच गया हूं मैं जहाँ पे मेरे को आना था। तो मेरी बहन के ना पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम्स, तो वहीं पर आ रखा हूँ मैं। यहाँ पे कॉलेज है, भारती कॉलेज। अब मेरे को 3-4 घंटे यहीं पर टाइम पास करना है, और अभी सबसे पहले जा रहा हूँ मैं पेट्रोल डलवाने। इसमें पेट्रोल एकदम ही ख़त्म हो चुका है, आधा लीटर के आसपास बचा होगा या फिर उससे भी कम। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा तो था मेरे को, और ये आ चुका है दिल्ली हाट, ये रहा पेट्रोल पंप। अंकल 300 रुपये का डाल दो। तो तेल तो डलवा दिया मैंने 300 रुपीज़ का। एयर में तो यार अभी कुछ कुछ काम चल रहा है, एयर रहने देते हैं। अरे एक और पेट्रोल पंप, दो दो पेट्रोल पंप थे एक साथ, और दोनों के दोनों ही खाली पड़े हैं। यहाँ के लोग लगता है पेट्रोल नहीं डलवाते। तो अभी ना मैंने स्कूटी ऐसे रोड के साइड में खड़ी कर रखी थी, और वहाँ से वो गाड़ी गई, वो ट्रक नहीं होता जो पानी फेंकता है फवारा, उसने स्कूटी में भी थोड़ा थोड़ा फवारा फेंक दिया है। अभी से साफ़ कर देता हूँ, गंदी हो रही थी ना, ये देखो फवारे के निशान, अब चमक जाएगी है। अभी देख लो चारों तरफ से कितनी गंदी हो रखी है, वैसे यार कैमरे में दिखती नहीं है गंदी है, देखो इधर से भी थोड़ी थोड़ी गंदी है, इधर देखो शीशा देख लो, और इधर देख लो आगे। तो अब चमका दिया मैंने स्कूटी, ये देख लो अब इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं बची है, तो देख रहे हो चारों तरफ से शीशे भी एकदम साफ कर दिए, और आगे से भी एकदम साफ कर दी, अब चमक गई ना। तो यहाँ सामने से खाना खा लिया है, अब चलते हैं घर। बढ़िया खाना मिल जाता है यार बाहर भी, हेल्दी भी मिल जाता है और हाई प्रोटीन खाना भी मिल जाता है। लोग बस ऐसी बहाने बनाते हैं कि हम बाहर का खाते हैं घर का नहीं खा सकते, तो इसलिए हम हेल्दी नहीं खा सकते। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए, और अब टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं। अब देखो धुंध भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सुबह से वो चल रहे थे यहाँ पे ट्रक पानी फेंकने वाले, एक बार मैंने दिखाया था ना स्कूटी साफ करने के बाद, वो दोबारा आ गया एक और ट्रक। पहला वाला जो ट्रक था वो नीचे नीचे छोड़ रहा था पानी,
दूसरी बार जो ट्रक आया वो ऊपर ऊपर छोड़ रहा था हवा में, तो उसमें तो मेरा कैमरा भी गीला हो गया था थोड़ा थोड़ा सा। तो दिल्ली में धुंध हटाने के लिए ये सब भी करना पड़ता है, वरना तो रात तक भी धुंध ही रहती है यहाँ पे।